तो बिल्कुल जी, कंट्रोल रूम आपसे गुजारिश है कि एक एक करके जरा तस्वीरें दिखाएं रफत के काम की, और रफत आप जरा साथ साथ बता दीजिए कि कौन सा शहर है और क्या कहानी है उस स्कल्पचर की। ये रावलपिंडी में ही माल रोड के ऊपर लगा हुआ है। इसमें दिखाया गया है कि स्कूल और कॉलेजेस कैसे काम करते हैं। हाँ, और ये मिट्टी है? जी ये मिट्टी है, ये सारा आपको बिल्कुल मिट्टी में नजर आ रहा है एक्चुअली। और इसको क्या बेक किया जाता है या ये? नहीं, पहले मिट्टी में बना लिया जाता है और उसके बनाने के बाद इसकी डाई कास्टिंग की जाती है। ये भी इतने बड़े पैमाने में मिट्टी को होल्ड करना, उसको गीला रखना बहुत मुश्किल काम होता है। इसके लिए फिर मेरे पास 10 से 15 के करीब टीम होती है जो बार बार इसको पानी लगा रही होती है, और पानी की भी एक खास क्वांटिटी लगाई जाती है ताकि स्लिप होकर मिट्टी नीचे ना आ जाए। सारी बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है। अच्छा, और ये क्या इसकी उम्र कितनी होती है? इस पे जब बारिश बारिश पड़ेगी तो ये क्या फौरन से उतर जाएगा, फौरन से खत्म हो जाएगा? लेकिन जब आप इसको, जैसे आप कह रही है रावलपिंडी में माल रोड पे ये आवेजा है जी, तो जब बारिश होती है तो ये घुल नहीं जाती? जी, वो उसके लिए मैं मीडियम इसका चेंज कर चुकी हूँ। डाई कास्टिंग के बाद अगला मीडियम इसमें ऐड हो जाता है, वो अब चाहे मेटल हो, चाहे फाइबर हो, चाहे स्टोन हो, कुछ भी। अच्छा, वाओ, ब्यूटीफुल। ये क्या है रफत? इसके ये कैंट बोर्ड कैसे सफाई करते हैं, रोडों की कैसे मेंटेनेंस करते हैं, वो दिखाएगी, वो एक्टिविटी दिखाएगी। ये मैं डाई निकाल रही हूँ, ये मैं डाई निकाल रही हूँ। आप कह रहे हो मिट्टी के ऊपर क्या है, वो ये काम हो रहा है, वो इसके ऊपर ये काम। हाँ जी, ये भी बहुत मुश्किल का, बेसिकली मैं ज्यादा थक इसमें जाती हूँ। अरे वाह, जबरदस्त। ये वो है जो बड़े बड़े मुजस्मों की हम ये आपने अपने आपको फोटोशॉप करके छोटा तो नहीं किया? भाई बाकी बाकी चीजों को कैसे छोटा कर दी? ब्यूटीफुल। अरे वाह, जबरदस्त। ये कहाँ पर डिस्प्ले? ये कोहाट में, कोहाट। और वो जो पिछला वो भी कोहाट में। अच्छा, और घोड़े की आंख को आप चेक करें, और घोड़े के दांत जो है, मतलब कितनी डिटेलिंग के अंदर। तो जो सबीन, ये जिस तरह आप देख रहे हैं अभी, आप पेंट कर रही हैं इसके? मतलब पेंट जी, भी होता मैं पेंट है इसके कर रही हूं। आखिरी मरहला है पेंट करना। ब्यूटीफुल। अरे वाह, ये देखें जनाब। अच्छा, इस पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में भी। इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि वो उनका पोलो ग्राउंड तैयार हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि मैं पोलो का मुजस्मा यहाँ लगाना चाहिए। और ये जो मुजस्मा इस वक्त हम देख रहे हैं, ये कहाँ पे है? ये लाहौर में। अच्छा जी, बेदिया रोड के ऊपर लगा हुआ है, और ये मैं चढ़ रही हूँ साइड से। जी जी, वो तो हमें अंदाजा हो गया। अच्छा, ये माल रोड की बात कर रही हूँ, पिंडी माल रोड की बात कर रही हूँ। जबरदस्त। जो आप छोटे छोटे पीसेस देखे थे वो इसके ऊपर अवेजा हुए। वो देखिए, ऊपर हॉस्पिटल है, नीचे कैंट बोर्ड की एक्टिविटीज, बीच में स्कूल, ये सारे पीसेस इसके ऊपर अवेजा हुए। अंदाजन कितना वक्त लग जाता है, कितने दिन लग जाते हैं? अब ये मैं डाई रिलीज करूँ, ये भी एक मुश्किल प्रोसेस होता है इसको, क्योंकि मैं खुद सर पे खड़ी हो जाती हूँ। देखिए, मैं हथौड़ी उससे, ये सब मैं खुद चला रही होती हूँ, खुद सारे काम कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं कोई खराब ना कर दे। ये मरी में, मैं डाई कास्टिंग, ग्राइंडिंग, बफिंग सब मैं खुद कर रही होती हूँ एक एक चीज के ऊपर। अच्छा, और ये सारी जो एक्सपर्टीज है, इस जैसा काम करने वाले इस वक्त और भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर? यंगस्टर्स जी, बिल्कुल, बच्चे काम कर रहे हैं, आ रहे हैं इस फील्ड में और अच्छा काम कर रहे हैं। ये कहाँ पे है जी? ये भी कोहाट में। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओह वाओ, ये तो कुछ स्विमिंग का सीन लग रहा है मुझे। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। इस तरह के दो मुजस्मे बने हैं, ये 37 फीट का है, एक और जो है वो 26 फीट का है, एक वो पेशावर में का है। ये 37 फीट का है मुजस्मा। राशिद मिन्हास। ये 5 फीट का। अच्छा, ये 5 फुट का। चलें, अच्छा, फौरन से देखने में समझ आया कि राशिद मिन्हास को, तो मैं कामयाब हुई। एग्जैक्टली, क्योंकि इतनी क्लैरिटी के साथ और इतनी डिटेलिंग है हर चीज के अंदर कि वो फौरन से पहचानी जा रही है कि क्या है। ब्यूटीफुल, ये तो मुझे एक्चुअल लग रहा है कि किसी फौजी की तस्वीर है। एग्जैक्टली, जबरदस्त। इसको छूने पे भी ये नरम है, उस पे स्किन का एहसास है। अच्छा जी, ये कैंट बोर्ड वाले सफाई कैसे करते हैं, उनकी टीम कैसे वहां पर काम करती है, ये वो बनाया गया था। ये इसका, इस वक्त इसको भी देख लें, ये कोई होगा 10 फीट का मुजस्मा जो पीछे गुजर गया, ये कोई होगा 4 फीट का, ये वापस आया 10 से 12 फीट का होगा ये। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी काफी थका देने वाला अमल है ना? बहुत ज्यादा, कि अब नहीं होता बर्दाश्त, ज्यादा थक जाती हूँ जल्दी। अब ये बहुत बड़ा एक मुजस्मा था जो 14 अगस्त को हम लोग रावलपिंडी में लगा रहे थे, पाकिस्तान का नक्शा। ये अब मैं उठवा रही हूँ इंस्ट्रक्शंस देके कैसे उसने रेज होना है। ये अब साथ में जो बकेट होती है जिसमें जाके लाइट्स वगैरह ठीक करते हैं, मैं वो बकेट यूज़ करके ऊपर जाऊंगी काम करने के लिए। मैं इंतज़ार में हूँ कि बकेट लगे और मैं ऊपर को जाऊँ। मैं अपने उस मीनवाइल अपने लैपटॉप पे उसकी कंपोजिशंस निकाल रही हूँ काम की,
और मैं ऊपर हाइट पे चली, यानी पूरी क्रेन जो है वो उस हाइट पे आपको लेके जाती है और फिर उसके टॉप की पोजीशन पे जाके आप काम करते हैं। पहले क्रेन लगी हुई थी, बाद में फिर हम लोगों ने सीढ़ियां लगा ली थी, बीच में एक आया था तस्वीर। तो इसके साथ देखें कितनी और चीजें भी। अब ये ढपा हुआ मुजस्मा है और उसके अंदर लाइट है और ये अंदर से झलकता है, जबरदस्त है। ये 3D चारों तरफ से दिखाई देता है। ये एक नई टेक्निक है जो मैंने पाकिस्तान में की है, जो इससे पहले नहीं हो रही थी। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कितना वक्त लग जाता है तकरीबन एक प्रोजेक्ट पे या एक मुजस्मे पे? पहले तो ज्यादा वक्त लगता था, लेकिन अब बहुत जल्दी कर लेती हूँ। अब तो ये है कि मैं 2-3 दिन के मार्जिन से, 20 दिन के मार्जिन से प्रोजेक्ट्स करती हूँ। जैसे कि आपने पीछे वो मैप देखा, मैप मैंने 20 दिन में बनाया था। अच्छा, इतना बड़ा मुझे। और वो जो घोड़ा था, घोड़ा मैंने कोई 32 डेज में। 32 डेज में जी। अच्छा, ये देखे ना आपके जो एज एन आर्टिस्ट, एज ए पेंटर भी आपका, तो अगर रफत को ऑप्शन दी जाए कि पेंटिंग या स्कल्पचरिंग, मुजस्मा मुजस्मा फौरन से।